अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और रमजान मुबारक का पहला जुमा गुजर चुका है। जिस तरह से जुमे का खुतबा दिया जाता है, भाई ने तमाम बस्ती की बिल्लियों को बुला लिया और खुतबा दे दिया। दीन इस्लाम में बिल्लियों को तकलीफ देने और मारने से मना किया गया है। यही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को लकब दिया अबू हुरैरा कहकर, जिसका मतलब होता है फादर ऑफ द किटन्स। हदीस में तो ये बात नहीं आई, लेकिन 6th सेंचुरी के काफी सारे अरब के जो हिस्टोरियंस है, उन लोगों ने ये बात लिखी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक बिल्ली थी, उनकी एक फेवरेट बिल्ली थी जिसका नाम था मुइज़्ज़ा। ये बात तो हम सब जानते हैं कि ज्यादातर एशियन कंट्रीज में रोजा खुलने के टाइम पर एक सायरन दिया जाता है। ये आवाज़ तो जरूर स्पीकर से आ रही है, लेकिन क्या आपको पता है असल में ये सायरन कौन देते हैं? आज हम आपके सामने फेस रिवील करने वाले हैं। जो भाई मस्जिदों में सायरन देते हैं, उनका फेस रिवील करने वाले हैं। भाई का सरन सुन के ही आप लोग इतने दिन से रोजा खोल रहे थे, आज आपको पता चल चुका है। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, लोग इबादत वगैरह करते हैं, और ये कनाडा का एक रेलवे स्टेशन का नजारा है। काले कपड़ों में एक नौजवान नजर आ रहा है, इसका नाम है अहमद। अहमद भाई क्या कर रहे थे, रेलवे स्टेशन पे गए और वहाँ पर नमाज पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन ये पीछे सिक्योरिटी गार्ड को बुला लग गया। उन्हें आके बोला कि नहीं, यहाँ पे तुम नमाज नहीं पढ़ना। तो अहमद भाई बोले, तेरे बाप का रेलवे स्टेशन नहीं होता, कोने में पढ़ ले रहो, मैं अकेला पढ़ रहा, कोई भी जमात बना के भी नहीं पढ़े। फिर भी ये गरीब सिक्योरिटी वाले को बुरा लग गया, इन्हें बोला कि हाँ भाई, मेरे को तकलीफ हो रही क्योंकि तुम खुदा की बात कर रहे, मैं तो शैतान का मानने वाला हूँ, मेरा बाप शैतान है। ये पूरा वीडियो भाई रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड करके इन्होंने क्या करे, सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिए। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, न्यूज़ वाले इस वाक्य को कवर करे। A Toronto man says he was singled out and humiliated by a VIA employee all because of his religious beliefs. CTV's Raheem Ladani is at Gilwood GO station tonight and he joins us live. Raheem, what happened? वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद में रेल कनाडा ने भाई को कांटेक्ट किया। यही नहीं, भाई से माफी भी मांगी। और यही नहीं, ये जो गरीब आदमी भाई को बोल रहा था यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ना, वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ना, इसके ऊपर भी एक्शन लिए जाने वाला है। अब देखना ये होगा क्या रेल कनाडा इसको जॉब से निकाल देता है या फिर नहीं। आप लोगों की क्या राय, इससे मुताल्लिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और जाते आते ये काम जरूर करिए। हमारा सपोर्ट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आपको मिल जाए।